और नवी बात है श्रेष्ठ स्थिति रूपी मेडल प्राप्त करने के लिए परमात्म अभिमानी स्थिति को बढ़ाते चले। बाबा ने कहा है यथार्थ याद अर्थात परम धाम में बाबा को याद करना, तो निराकारी दुनिया में बाबा के निराकारी स्वरूप को हमें देखना है, और मैं निराकारी आत्मा बाबा के समक्ष बैठी हूं ऐसा अनुभव भी हमें करना है। तो इतने विशाल परम धाम में मैं निराकारी आत्मा निराकारी बाप के सामने बैठी हूं और अपने दिव्य दृष्टि से बाबा को देख रही हूं, तो बाबा के समीप बैठ जाए परमात्म अभिमानी बनना अर्थात परमात्मा के संग का अनुभव करना, उनके कंपनी में बैठ जाना। तो जब हम बाबा के संग में बैठते हैं उस समय तीन बातों पर ध्यान देना जरूरी है। अगर हम परमात्म मिलन का भरपूर आनंद लेना चाहते हैं तो तीन बातें हमें चेक करना है। पहली बात, ज्ञान सूर्य बाबा के साथ बैठते हैं तो कभी भी हमारे मन में हिचकिचाहट ना हो कि बाबा तो पवित्रता का सागर है, मुझ आत्मा पर अपवित्रता के काले धब्बे हैं, कैसे मैं आत्मा बाबा के समीप बैठ सकूंगी। नहीं, बाबा ने हमें बच्चे के रूप में स्वीकार किया है, बच्चा कैसा भी हो उसको अपने बाप के अति समीप बैठने का अधिकार होता है। इसलिए बड़े ध्यान से बड़े मस्ती से हमें बैठना है। दूसरी बात, कभी भी बाबा से हमें मांगना नहीं है। भगत माना भिखारी, बच्चे माना अधिकारी। बाबा के सामने जब हम बैठे तो अधिकारी स्थिति में बैठे कि बाबा के जो खजाने हैं उन पर मेरा पूरा अधिकार है। तो अधिकारी स्थिति में जब हम बैठते हैं तो मिलन का आनंद लेते हैं और उनके खजानों को हम स्वयं में भरने लगते हैं। और तीसरी बात, बाबा के समक्ष जब बैठते हैं तो कभी भी स्वयं को साधारण आत्मा नहीं समझना है। साधारण आत्मा समझेंगे तो बाबा से शक्तियां भरपूर मात्रा में नहीं भर सकेंगे। तो बाबा सर्वशक्तिमान है तो मैं भी मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, बाबा ज्ञान सूर्य हैं तो मैं भी मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूं। ऐसी शक्तिशाली स्थिति में जब हम बैठते हैं तो आत्मा रूपी बल्ब का वोल्टेज मैक्सिमम होता है और शक्तियों के सागर से अथाह शक्तियां हम स्वयं में ग्रहण करने लगते हैं। तो इन बातों पर ध्यान देकर ही परमात्म मिलन का आनंद हमें लेना है।